कनाडा में जो एप्लीकेशन लगी है, जून मंथ हो गया, जुलाई हो गया, मई हो गया, इन सब के रिजल्ट्स कब आएंगे? सभी कैटेगरीज की बात करूंगा। ये पीपीआर हमारे पास रिसेंटली रिसीव हुई है एंड ये वीजा स्टैंप हो गए हमारे पास रिसीव हुए हैं। सो इनकी फाइल क्या थी, इनकी पीपीआर टाइमलाइन क्या थी, वीजा ट्रेंड क्या चल रहा है एंड जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट है, ठीक है, चाहे वो स्टडी है, चाहे विजिटर है, चाहे स्पाउस है, आपका रिजल्ट कब आएगा? स्टडी वीजा के लिए मेडिकल अपडेट होने के बाद वीजा कितने टाइम में आ जाता है एंड उसके बाद उनका क्या सितंबर इनटेक पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी एंड साथ में आप सभी लोगों के साथ हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखना, आप सभी लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है एंड आई विल मोटिवेट यू। सो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सो मोटिवेट करने की गारंटी मेरी है एंड फैक्ट के साथ में आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस YouTube चैनल तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे ऐसी ही मोटिवेटेड, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेंगी। सो पीपीआर के साथ स्टार्टिंग करते हैं। सो आपके साथ मैं दिखाना चाहूंगा, एक टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन है, एक विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है एंड एक स्टडी वीजा की एप्लीकेशन है, इनकी पीपीआर आई है। सो जून हो गया, मंथ जुलाई हो गया, सभी की बात करेंगे, सभी कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है जी साहिल गुप्ता जी, इनकी टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन है एंड इनकी 3 रिफ्यूजल थी पहले। सो आप देख सकते हो कि ये रिफ्यूजल के बाद भी वीजा हैं जो आ रहे हैं एंड सेकेंड एप्लीकेशन है जी जो कोमल सिंह जी, विजिटर वीजा है, इनकी सिस्टर वहाँ पे स्टडी कर रही है, कॉन्वोकेशन पे अपने ब्रदर को बुलाया था इंस्टेड ऑफ मदर फादर। सो हमने लगाया भी था कि मदर फादर क्यों नहीं विजिट कर रहे, उसकी भी जस्टिफिकेशन लगाई थी। एप्लीकेशन है जी स्टडी वीजा की, सिमरन गुप्ता नाम है जी इनका। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल 3 एप्लीकेंट्स एंड उसके बाद मैं आप सभी लोगों को ये पासपोर्ट दिखाना चाहूँगा, ये 2 स्टैंप को कराए हैं, इनकी टाइमलाइन क्या है। सो आज की डेट में जी 25 दिन लगते हैं पासपोर्ट स्टैंपिंग को, आप कृपया ये चीज़ ध्यान रखो। कई लोग क्या करते हैं जी पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं, पासपोर्ट उनके पास स्टैंप होकर आया नहीं होता। सो उसके बाद क्या होता है कि उनकी टिकट के पैसे वेस्ट हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज गाइड यू कि आपने टिकट तभी बुक करवानी है जब आपका पासपोर्ट आपके पास ऐसे स्टैंप होकर आ जाए। सो 25 दिन के अराउंड जो आपका पासपोर्ट है वो स्टैंप होकर आता है। सो अब हम बातें करते हैं जी, जून मंथ हो गया, जुलाई मंथ हो गया, टूरिस्ट है, विजिटर है, स्टडी है। सबसे पहले हम स्टडी वीजा के वालों के लिए बात करते हैं। सो स्टडी वीजा आपने अप्लाई कर रखा है, जून मंथ में जो एप्लीकेशन सबमिट थी, सो ऑलमोस्ट उन सबके जो वीजाज है वो आ रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट मेरे मैं कहूँगा कि 20 जून से जो आफ्टर एप्लीकेशन सबमिट हुई थी स्टडी वीजा के, उनके बर के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी 20 जून से पहले, उनका रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आया तो आप टेंशन मत लो डियर, फ्यू एप्लीकेशंस ऐसी होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में 25 या 30 दिन के अंडर वीजा आ जाता है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि फ्यू एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, अगर 80% एप्लीकेशंस का वीजा 25 दिन में आ रहा है तो 10% एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनका वीजा मैं कह दूं कि 1.5 या 2 महीने के अंडर आता है, और बाकी के 10% एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो बैकलॉग में चली जाती है, जिनका वीजा 4-4 महीने आता ही नहीं है। सो बिफोर जब 20 जून एप्लीकेशन लगी हैं, जब जून में लगी हैं, जब उसके पहले वाले मंथ में लगी हैं, मई में लगी हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू डियर कि प्लीज़ कीप पेशेंस, आपके इनटेक के मिस नहीं होगा, आपके इनटेक के स्टार्ट होने से पहले पहले जो वीजा है वो आ जाएगा, क्योंकि एम्बेसी को भी पता है ये चीज़ और ऐसा होता भी है नॉर्मली। सो जो एप्लीकेशन 20 जून से पहले लगी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कीप पेशेंस, आप सभी लोगों का वीजा जो अपकमिंग मंथ जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें आप सभी लोगों का वीजा है जो आ जाएगा, एक जून से लेकर जो 20 जून तक एप्लीकेशन लगी है। जो आफ्टर 20 जून एप्लीकेशन सबमिट हुई है, मैं कहूंगा कि 5 जुलाई तक जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो उनका रिजल्ट है, आज की डेट में भर कर आ रहा है, और जो आगे 5 जुलाई में जो एप्लीकेशन सबमिट हुई है 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, उनका जो वीजा है अपकमिंग वीक में आने के बहुत अच्छे चांसेस है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, बेस्ट विशेस टू एवरीवन कि आप सभी लोगों का वीजा ही आए। और उसके बाद हम विजिटर वीजा की बात करते हैं, जो एप्लीकेशन मई में लगी थी, मई के लास्ट वीक में लगी थी, ठीक है, उनके बर्बर के रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर जो एप्लीकेशन जून के फर्स्ट वीक में लगी थी उनके बर्बर के रिजल्ट आ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। और जो एप्लीकेशन मैं कहूंगा कि मई 20 मई से पहले लगी थी, उनकी फाइल्स मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बैकलॉग में जा चुकी है,
है वो उनका रिजल्ट आप मान के चलोगे जी 15-20 दिन लेट ही आता है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम से। आज की डेट में ऑनलाइन अगर चेक करें तो 51 डेज है, सो 51 डेज से आपको ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। सो कीप प्रेसिंग वेब फॉर्म, कीप कॉन्टेक्टिंग IRCC, कीप सेंडिंग ईमेल्स, दिस विल हेल्प यू राइट कि आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। सो जो आफ्टर 20 मई फाइल्स लगी है, अगर मैं कहूँ कि 20 जून से लेके 5 जून से पहले पहले जो एप्लीकेशन लगी है उन सबके रिजल्ट अपकमिंग वीक में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। और अपकमिंग वीक में हमें किसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो 1 जून से 10 जून के बिटवीन जो विजिटर वीजा की फाइल्स लगी हैं उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो वेरी सून आप सभी लोगों का वीजा आ जाएगा। डियर कीप पेशेंस, ठीक है, आप सभी लोगों का वीजा जो आ जाएगा, पेशेंस इज द बिगेस्ट वेपन, सो आप सभी लोगों को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद हम स्पाउस वीजा की बात करते हैं। स्पाउस वीजा की अगर बात करें तो गाइज आप सब लोगों को समझना पड़ेगा जी इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अगर ऑनलाइन भी चेक करते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम 19 वीक्स है। मतलब क्या है कि जी आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप आज फाइल लगा रहे हो तो मान के चलो जी 3-4 महीने तो आपकी फाइल बिल्कुल भी पिक नहीं होगी। आई नो के फेब में जो एप्लीकेशन लगी थी, मार्च में लगी थी, वो भी फ्यू एप्लीकेंट ऐसा वेट कर रहे हैं, बट आप लोगों के लिए गुड न्यूज है जी फेब वाली फाइल्स है जो प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। आई हैव सीन, ठीक है, आई हैव टॉक विद द एप्लीकेंट जिन्होंने फाइल फेब में लगाई थी, उनकी वीजा आ रहे हैं। सो आपका वीजा भी है डियर वेरी सून आ जाएगा। सो बस थोड़ा सा और वेट करना है, जहाँ पे हमने इतने महीने वेट कर ले, मैं कहूँगा कि बस थोड़ा सा वेट कर लो, अपकमिंग वीक में आप सभी लोगों के वीजा भी आते दिख जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।